नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार डोगरा है। मेरा जन्म और शिक्षा दिल्ली से हुई है, लेकिन मैं मूलतः हिमाचल से हूँ। मैं रंगमंच से तकरीबन 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत से नाटक किए हैं, बहुत से फिल्में की हैं, जैसे सोन चरिया, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पर्ल फेल, LSD2, SP चौहान, उरुखंडा, वेब सीरीज की हैं, दिल्ली क्राइम सीजन 2, क्लास, स्कूल ऑफ लाइज, द हार्ड, मामला लीगल है, एस्पिरेंट, कोटा फैक्ट्री। लिखता हूँ, लिखने का शौक है, तो कुछ कहानियाँ लिखी हैं, छोटी कहानियाँ, लघु कहानियाँ, उसके ऊपर फिल्में भी बनाई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। तो ज़िंदगी रोशन है जो कहानी है, वो एक ऐसे लड़के की कहानी है कि जो हमारे समाज में आजकल बहुत हो रहा है, शिक्षा को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, जब बच्चे असफल होते हैं तो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लड़का जो आत्महत्या करने जा रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उससे बड़ी एक और प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि इमोशनल अटैचमेंट है उसका बेसिकली अपनी बहन से। तो वही मैंने दिखाने की कोशिश की है। और इस फिल्म के दौरान, क्योंकि स्क्रिप्ट काफ़ी बड़ी लिखी गई थी, तो उसको क्रिस्प करके मैंने 4 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश की है, जो पूरा सार निकाला है। और बनाने के दौरान जो मेन परेशानी रही वो ये रही थी एक्टर को लेकर, क्योंकि एक्टर एक ऐसे एक्टर चाहिए था कि जो उस जॉनर में फिट हो, एक छोटे शहर का लगा हुआ कैसे बड़े शहर आता है अपने आप को कुछ बनने करने के लिए नहीं कर पाता है, और वो इमोशनल उसका जो था, तो राम जो एक्टर है उसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहा है और बहुत अच्छा अभिनय किया उसने। और मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि आपने मेरी शॉर्ट फिल्म को सिलेक्ट किया है, और मैं फेस्टिवल में जरूर आऊँगा। धन्यवाद।